हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे सोल्टामाइसिन टोसिलेट के बारे में। जानेंगे ये क्या है, किस चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या वार्क कैसे ये होता है और क्या साइड इफेक्ट इसका होता है, क्या डोज होता है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे सोल्टामाइसिन टोसिलेट के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सोल्टामाइसिन टोसिलेट जो मार्केट में आपको इसकी स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए, मार्केट में आपको 375 mg की स्ट्रेंथ पे और 750 mg की स्ट्रेंथ पे आपको ज़्यादातर ये मार्केट में मिलता है और ये सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। सोल्टामाइसिन के बारे में देखा जाए, सोल्टामाइसिन बेसिकली ये एक प्रकार के ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है और इसमें आपको दोनों कॉम्बिनेशन होके दो ड्रग, दो एंटीबायोटिक इसमें है जो कि आपको इसमें एम्पिसिलिन और सल्बैक्टम, ये दोनों को मिला के आपकी सोल्टामाइसिन को बनाया जाता है। तो ये दोनों को इसीलिए बनाया जाता है, दोनों की जो फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर है दोनों की 1:1 रेशियो में जनरली होता है और ये दोनों की जो ऑब्जर्वेशन रेशियो होता है ये भी सेम होता है। दोनों एम्पिसिलिन और सोल्बैक्टम दोनों की जो बायो अवेलेबिलिटी है ये लगभग समान होता है, यानी लगभग इक्वल होता है, इसीलिए दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाता है और मरीजों को दिया जाता है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन इनकी 26% एम्पिसिलिन और 29% सोल्बैक्टम को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो लगभग देखा जाए तो ये दोनों को इसीलिए कॉम्बिनेशन किया गया है ताकि दोनों की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है दोनों की सेम होता है और ये आपके गॉट वाल के थ्रू ये आपके शरीर में ऑब्जर्व होता है। अगर देखा हाफ लाइफ पीरियड देखा जाए, ये 45 से 80 मिनट तक आपकी एम्पिसिलिन की और 40 मिनट से 70 मिनट तक आपकी सोल्बैक्टम की, ये दोनों की जो हाफ लाइफ पीरियड ऐसा ही होता है, लगभग सेम ही होता है, इसीलिए ये दोनों को मिक्स करके एक एंटीबायोटिक बनता है जिसको हम सोल्टामाइसिन टोसिलेट बोलते हैं। तो बात करेंगे इसकी यूज के बारे में देखा जाए तो ये बेसिकली अगर आपकी एक एंटीबायोटिक होने के नाते ये आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर काम करता है, जैसे कि आपकी अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन की बात कीजिए जो कि निमोनिया वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन की समय पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको छोड़ के अगर आपके पास स्किन रॉस की समस्या हो या स्किन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ईयर इन्फेक्शन या नोज इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह भी हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप सोल्टामाइसिन को एक बेस्ट एंटीबायोटिक तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रग की, ये सोल्टामाइसिन की अगर मोड ऑफ एक्शन के बारे में देखा जाए, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर इंटररप्चर करके ये आपके शरीर में काम करता है, यानी बैक्टीरिया के सेल वाल के ऊपर ये अटैक करता है और तभी उसकी जो बैक्टीरियल सेल वाल को रप्चर करता है और तभी ये आपके शरीर पे अच्छी तरह से वार कर पाता है। तो बात करेंगे क्या डोज हो सकता है इसकी। तो फ्रेंड्स, डोजेस हमेशा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और हर डोज आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार, हर मेडिसिन की डोज आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कंडीशन को देख के आपकी डोज की जो मात्रा है ये निर्धारित किया जाता है। तो कुछ जनरल डोज के बारे में देखा जाए, जैसे कि आप दिन में 2 गोली खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं सुबह शाम करके, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन एंटीबायोटिक की सोर्स हो सकता है अगर ये सारे इन्फेक्शन आपके पास है। तो अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपके डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो बात करेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जनरली एंटीबायोटिक की कुछ साइड इफेक्ट होता है, वही साइड इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग वाला सिम्टम्स हो सकता है और एंटीबायोटिक पे डायरिया की चांसेस ज़्यादा होता है तो उसमें भी डायरिया वाला सिम्टम्स भी आपको हो सकता है और उसके साथ साथ स्किन रॉस की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के तौर पर आपको हो सकता है। तो मार्केट में ये आपको ज़्यादातर जो अगर प्राइस के बारे में देखा जाए, ये 300 रुपये के आसपास पे आपको 10 टैबलेट मिल जाएगा और 700 mg की आपको 400 रुपया या 450 रुपये के बीच में आपको इसकी प्राइस रहता है। कुछ ब्रांड नेम बता देता हूँ तो कि आपको इजी होगा मार्केट से खरीदने में, जैसे बैक्टोमिन
सोल्टावेस्ट और मार्जोन, ये कुछ ब्रांड नेम आपको जनरली मार्केट में हर दवाई की दुकान पे या हर केमिस्ट्री शॉप में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सोल्टामाइसिन टोसिलेट के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रोलाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।